अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और दुआ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सेहतमंद रहें। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का, और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मैं बनाऊँगी। और सबसे पहले तो मैंने चिकन को मैरिनेट करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फिर देखें, एक कप के करीब मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। ये देखें, ये लंबाई में मैंने इस तरह से सबको काट लिया है, ये देखें। ठीक है, इसलिए मैं लंबाई में काटना है। और अब मैं पतीले में डाल दूँगी इसको, और पतीले में डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है। और ये मैंने टिक्का मसाला है, ये आराम से बाहर किसी अच्छी ब्रांड का आप लें और इसमें डालना है। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी और इसको मैरिनेट करने रखूँगी। ये तकरीबन ये खाने के 2 चम्मच और ½ टीस्पून के करीब है, तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और ये मैरिनेशन के लिए मैं रख दूँगी इसको मिक्स करके, और उसके बाद फिर मैं इसको पकाऊँगी और कोयले की धुएँ दूँगी मैं कभी। अच्छा, ये देखें, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो रहा है, तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। और इसको अब मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 8 घंटे के लिए। चिकन टिक्के को जो गोश्त था इसको मैंने मैरिनेट करने रखा था, अब मैं इसको हल्की आँच में पका लूँगी और पकाने के बाद मैं कोयले की धुएँ दे दूँगी। तो अब इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पर। चिकन टिक्का मैंने बनाया था ये तैयार हो गया, इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। और चूल्हा बंद करने के बाद मैंने यहाँ पर कोयला जो है वो दहका दिया। इसको मैंने प्याज का एक इस तरह से एक प्याला सा में था, वो जैसे उसको गोलाई से काटते हैं हाफ करते हैं, तो उसको ऊपर वाला हिस्सा जो था बड़ी वाली प्याज का मैंने वो लिया हुआ है और इसको मैंने बीच में रखा। ये कोयला जो दहका हुआ है मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से करके, और ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा तेल डाला और इसको फौरन ढक दिया। बस इसको कम से कम मैंने 5 से 10 मिनट इसको धोनी देनी है, और धोनी देने के बाद इसको कोयले को बाहर तैयारी करते हैं। ये मैंने 3 कप के करीब डो ली है, और ये ईस्ट है, ये तकरीबन 1 पैकेट के करीब है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है, और ऑयल है 2 से 3 खाने के चम्मच, और ये मिल्क पाउडर है 2 खाने के चम्मच, ये 1 चाय का चम्मच के करीब जो है ये बेकिंग पाउडर है, और वार्म वाटर लिया मैंने। अच्छा, अगर आप वार्म वाटर के अलावा अगर दूध ले रहे हैं लिक्विड वाला, तो फिर पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास दूध नहीं है तो फिर आप इसमें सूखा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा गूंदने के लिए वार्म वाटर यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं गूंदना। स्टार्ट करेंगे उसको गूंदना, तो एक एक करके सब चीज़ें डालते हैं। ये नमक डाल दिया मैंने इसमें, नमक के बाद साइड में मैंने डाल दी है ईस्ट जितनी भी है, ये मिल्क पाउडर डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मैंने बचा दिया था मुझे ज़्यादा लग रहा, ये मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया, और ये मैं आधा अभी डालूँगी और आधा थोड़ी देर गूंदने के बाद में डालूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको गूंदना। ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं गर्म पानी से मैंने इसको गूंदना है। हाथ मैंने धो लिए हैं और अब मैं इसको गूंदना स्टार्ट कर रही हूँ। वार्म वाटर इतना होना चाहिए कि आपके हाथ ना जले। थोड़ा करके अब देखिए, मैंने इसको नरम डो को गूंद दिया है, ये देख रहे हैं आप कि नरम है अभी, ये चिपक रही है थोड़ी सी। और जो है जो बचा हुआ ऑयल है ये मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको मैं फ्राई करके रखूँगी। अब ये डो पर है कि कितनी देर में फ्राइज होती है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1/2 घंटे में, तो ये मैंने इसको गूंद लिया और इसको मैंने फ्राई कर। पिज़्ज़ा की जो चीज़ें चाहिए हैं वो सब रेडी हो चुकी हैं, जैसे कि टिक्का जो है वो मैंने रेडी कर लिया है चिकन टिक्का, और मेरी डो जो है ये भी रेडी हो चुकी है, ये भी जो है वो राइज हो गई है। तो अब इसके अलावा जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं, चेडर चीज़ है, मोज़रेला है, पिज़्ज़ा सॉस है, ऑयल है, ऑरिगैनो है, शिमला मिर्च है और प्याज है। इसके अलावा अगर आप
ऑलिव ऑयल ऑलिव डालना चाहें इसमें तो आप वो भी डाल सकते हैं पिज़्ज़ा बनाना। अच्छा चलिए, अब मैं ये मेरी जो डो है ये तैयार हो चुकी है और ये थोड़ी मेरी सॉफ्ट है, इसलिए अब इसको मैं निकालना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा ये मैदा डस्ट करने के बाद इसको करना है और इसके फिर मैंने तीन पीसेस कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके दो तीन पीस कर लिए हैं और एक जो है मैं अब इस्तेमाल करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से पैन पिज़्ज़ा मैं बनाती हूँ। अब मैं इसको हाथों की मदद से इसको बढ़ाऊँगी क्योंकि मैं बेलन को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, हाथों की मदद से मैं इसको बढ़ा रही हूँ। इक्वली बढ़ाते रहना है और राउंड राउंड इस तरह से घुमाएंगे तो आपका इंशाल्लाह जो डो है वो इक्वली बढ़ेगी। अब मेरी ये तैयार हो गई है। इसके बाद अब मैंने ये करना है कि पैन में थोड़ा सा तेल डालूँगी और तेल डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेना है बस। ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और इसको मैंने टिश्यू की मदद से इसको ग्रीस कर लिया। ठीक है, ये मेरा ग्रीस हो गया। अब ये जो मैंने इसको डो को मैंने बेल लिया था हाथ की मदद से, इसको अब मैं उठाऊंगी और उठा के मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको जो डो है मैंने फ्राई पैन में इसको फैला दिया है। अब मैं इसकी फोक की मदद से इसको थोड़ा सा ये निशान लगा लूँगी, फास्ते से मैं लगा लूँगी निशान। तो ये मेरे जो है वो मैंने फोक से निशान लगा लिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये पिज़्ज़ा सॉस। ठीक, अब ये मैं पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको मैंने स्प्रेड कर लेना है, बिल्कुल सब तरफ फैल जानी चाहिए ये पिज़्ज़ा सॉस। आप चम्मच की मदद से करें या फिर स्पैचुला की मदद से, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ, मेरी सब तरफ पूरे कोनों पे, क्योंकि ये कोनों पे भी लगाना है, किनारे किनारे जो सारे हैं इन सब पे भी बनाना है लगाना है, क्योंकि आखिर में जब पक के आती है तो ये ऊपर अगर लगी भी नहीं होती तो थोड़ी सी फीकी फीकी सी लगती है ब्रेड ना। तो इसको मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया। अब स्प्रेड करने के बाद अब मैंने जो है चेडर चीज़ जो है ये इसके अंदर डाल दूँगी। इसके ऊपर फैला लेंगे, ये सब तरफ फैल जानी चाहिए। चीज़ से जो है वो जायका ज़रा सा निकल के आता है, मज़े की लगती है। और मोज़रेला जो होती है वो एक खिंचाव और जो उसको उठाने में जो एक लेयर सी जो बनती है ये वो बनाती है। ठीक है, थोड़ी सी मोज़रेला जो है मैं इस वक्त डालूँगी। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे जितना मैंने थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ भी डाल दिया है चेडर चीज़ को भी। और अब मैं शिमला मिर्च डालूँगी, बल्कि शिमला मिर्च से पहले मैं चिकन टिक्का डालूँगी। चिकन टिक्का मैंने इसमें डाल दिए। आप अगर चिकन आप पसंद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर आप उसमें वेजिटेबल्स लगा होते हैं वो भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं। ये मैंने इसको स्प्रेड कर रही हूँ, जितना चिकन डालेंगे उतना ही मज़े की भी लगेगी। ये मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा रहता है एक जगह, ये मैंने रख दिया। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डालनी है, ये शिमला मिर्च मैंने लगा दी है। अब मैं प्याज अनियन जो है ये इस तरह से इसी तरह मैं लगाती चली जाऊंगी सब जगह। अब देखिए मैंने इसमें अनियन डाल दिए। अब मैं ये जो मोज़रेला चीज़ है
ये मैं सब इस पर स्प्रेड कर दूँगी। जितनी ज़्यादा डालें उतना ही अच्छा है। हर जगह इसको स्प्रेड कर दें। अब ये लास्ट में मैं ओरिगैनो डाल रही हूँ, चुटकी दो चुटकी आप इसमें स्प्रेड कर लें। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसको डायरेक्ट चूल्हे पे रखूँगी और 25 से 30 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ये पक जाए। तो चलें मिलते। अभी देखिए मैंने इतनी फ्लेम रखी है, चूल्हे की आँच रखी है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और इस आँच में मैंने जो है इसको अब रख दूँगी इसके ऊपर और इसको मैं तकरीबन 30 मिनट के करीब मैं इसको पकाऊंगी और इसको मैं 25 मिनट पे चेक करूंगी। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ होगा तो फिर 5-10 मिनट और दे दूँगी मैं इसको। तो इसको मैंने ढक दिया है, अब इसको मैं 25 मिनट तक इसको बिल्कुल भी हार। टाइम हो गया है वो तकरीबन 20 मिनट के करीब हो गए हैं। अब मैं 20 मिनट के बाद ये जो मैंने जो रोटी पकाने का तवा है अब मैं इसको ऊपर रख दूँगी ताकि मेरी जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और जो भी कसर रह गई है वो पूरी हो जाए। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है, गरम गरम है, मेल्ट भी हो जाएगी और मेरा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे तरीके से पक भी जाएगा। तो ये मैंने इसको ढक दिया है। तो मैं 25 से 30 मिनट हो चुके हैं इस चिकन टिक्का पिज़्ज़े को। तो अब मैं इसको हटा के देखूँगी कितना हो गया है। ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मेरी चीज़ जो है मैंने जो डाली थी वो मेल्ट हो गई है और ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। और मैं नाइफ से इसको चेक करने वाली हूँ। बिल्कुल ये मेरा हो चुका है, ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको बाहर निकाल के इसकी कटिंग करती हूँ। तो ये देखें मैं इसको निकाल रही हूँ, इसको गर्म बहुत है तो मैं इस प्रेशर की मदद से बाहर निकालूँगी। देखिए मेरी डो जो है अंदर से बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं इसको कटिंग करती हूँ। कटिंग कर रही हूँ। अभी देखें ये मेरी जो चीज़ है ये मेल्ट हो चुकी है, अंदर से मेल्ट हो चुकी है। और ये देखें एक और चीज़ का पिज़्ज़ा मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म हो रहा है, तो यकीनन आपको मेरा है ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तो आपको पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल स्मार्ट किचन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो अगली वीडियोस तक के लिए।